दिल्ली में कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए 2024 मामले लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 22 लोगों की जान गई है और जो नए आंकड़े सामने आए हैं वो हैं 2024। दिल्ली में संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। कुल अब तक संख्या 1,73,390 हो चुकी है। इनमें 1,54,171 लोग ठीक हो चुके हैं। विश्वजीत झा हमारे सहयोगी। विश्वजीत, हर दिन के लिहाज से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 2024 पिछले 24 घंटे का आंकड़ा। बिल्कुल, ये आंकड़ा कह सकते हैं कि हालांकि सरकार कह रही है कि जांच बढ़ाने की बात, लेकिन 20,000 के आसपास जांच किए गए हैं और उसमें 2024 का आंकड़ा छू लिया है कोरोना ने। 24 घंटे में मौत भी ज्यादा हुई है, 22 लोगों की मौत हुई है, तो ये अच्छे संकेत फिलहाल नहीं कहे जा सकते, क्योंकि अगर जांच का दायरा जहां तक इस हफ्ते में 40,000 तक ले जाने की योजना है, 40,000 तक जांच का दायरा ले जाया जाता है तो फिर ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे नहीं, काफी ज्यादा बढ़ेंगे। आज 17 कंटेनमेंट जोन भी बढ़े हैं, अभी तक 803 थे, अब 820 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। तो कुल मिलाकर चीजें यही है कि सरकार कोशिश तो कर रही है, कह रही है कि व्यापार में छूट मिले, तमाम जगहों पर छूट मिले, लेकिन जो असल में कोरोना संक्रमण की बात है तो जो नियंत्रण में कुछ दिन पहले तक थी अब उस पर से नियंत्रण एक बार फिर से हटता हुआ दिख रहा है। काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि 1 तारीख से सरकार का तीसरा सीरो सर्वे भी शुरू होगा, तो उससे भी चीजें स्पष्ट होंगी कि अब कितने लोग जो है संक्रमित हो चुके हैं, यानी कितने लोगों में एंटीबॉडी डेवलप होनी शुरू हुई है। लेकिन ये तमाम चीजें जो है इससे अलग है कि संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अभी भी जो पिछला सीरो सर्वे था उसके मुताबिक करीब 70% आबादी ऐसी थी जो कि जिन पर संक्रमण का खतरा था। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक चिंता की बात होगी कि अगर इसी रफ्तार से संक्रमण बढ़ता है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो आज 2024 मामले आए हैं, 22 लोगों की मौत हुई है, कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 820 हो गई। शुक्रिया आपका विश्वजीत अपडेट देने के लिए।